और देशहित में अब देश की कुछ और बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। आज पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर का दौरा किया और वहां विकास नहीं करने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को न्यू इंडिया की विकास गाथा का द्वार बनाया जा रहा है। से देश को आजादी की रोशनी दिखी थी, वहीं से नए भारत की सशक्त तस्वीर आप सभी की आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रही है। अमेठी दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। स्मृति ईरानी ने पूछा, कमलनाथ के यूपी और बिहार विरोधी बयान पर राहुल गांधी चुप क्यों रहे? It is for Rahul Gandhi to answer why was he quiet when the Madhya Pradesh Chief Minister, after taking oath of office, said that from Madhya Pradesh, Uttar Pradesh citizens need to be driven out and not be given jobs. सबरीमाला मंदिर में एक और महिला ने एंट्री का दावा किया। हालांकि श्रीलंका की इस महिला को मंदिर के गर्भगृह से पहले ही रोक दिया गया। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर पूरे राज्य में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर बीजेपी सांसद वी मुरलीधरन ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर एनआईए से जांच करने की मांग की है। केरल में चल रहे हिंसक प्रदर्शन को लेकर राज्यपाल ने सीएम पी विजयन से रिपोर्ट मांगी है। एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सक्रिय आईएस मॉड्यूल का एक और संदिग्ध गिरफ्तार हुआ। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने मेरठ से नईम को गिरफ्तार किया। अब उससे आगे की पूछताछ होगी। नईम पर आतंकी साजिश रच रहे संदिग्धों को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। पहले जो 10 लोग अरेस्ट हुए थे उनका आर्म्स डीलर है। उनको जो भी आर्म्स सप्लाई किए थे वो मोहम्मद नईम के थ्रू आर्म्स सप्लाई होते थे और ये मेरठ का रहने वाला है।